हेलो फ्रेंड्स, टुडे विद अस इज सुखजिंदर सिंह जी। इन्हों का रीसेंटली फिनलैंड का स्टडी वीजा आया है एंड असी इन्हों नाल अज एक छोटी जी कॉन्वर्सेशन करनी है तुहाडे ऑडियंस दे नॉलेज लई कि इन्हों ने फिनलैंड क्यों चुनिया, इन्हों का एक्सपीरियंस किहो जिहा रहा उत्थे ते अगे इन्हों का उत्थे जाके की प्लैन है। सो सुखजिंदर जी, सब तो पहला तुहानू बहुत बहुत वधाई जी, तुहाडा रेजिडेंट परमिट कार्ड आया फिनलैंड का, इहदे विच प्लीज़ तुहाडा कार्ड होएगा निकाल के तुहाडे ऑडियंस नूं अपना कार्ड दिखाओ जी। सो फ्रेंड्स, जिस तरह तुम देख सकते हो फिनलैंड दे विच रेजिडेंट परमिट कार्ड इशू होके आता है गवर्नमेंट वालों ऑफिशियली प्रिंटेड। बहुत सारी कंट्रीज विच कार्ड उत्थे जाके स्टूडेंट नूं आप भज दौड़ करके लेना पैंदा है, बट इन केस ऑफ फिनलैंड द गवर्नमेंट इज सेंडिंग द कार्ड डायरेक्टली फ्रॉम फिनलैंड टू स्टूडेंट, सो दैट उत्थे जाके स्टूडेंट नूं कोई इनकनवीनियंस ना फेस करना पए। इस कार्ड के बेसिस से तुम ट्रैवल कर सकते हो, पूरे शेंगन च ट्रैवल कर सकते हो। सो सुखजिंदर जी, थोड़ा जा इस गल तो स्टार्ट करते हैं कि जिमें लोग अलग अलग कंट्रीज बारे सोचते हैं ना, तो भी किसी ना किसी सोर्स तो फिनलैंड की भी नॉलेज मिली होगी गूगल तो या किसी पुराने रेफरेंस तो यहोजी की चंगी गल् उन्होंने फिनलैंड बारे दसिया कि हूँ तुम फिनलैंड स्टडी का मन बनाया तो जा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं तो चाहता सी अपनी फर्दर स्टडी कंटिन्यू करा, आफ्टर ग्रेजुएशन में वर्किंग की है, दैन मैं चाहता सी कि अगे फिर तू फर्दर स्टडी करा बट एक अच्छी कंट्री विच, बट अच्छी ते नाल नाल सेफ सेफ कंट्री भी। बट मेरे ब्रदर ने उन्होंने मैनु भी रिकमेंड किया, ऑलरेडी फिनलैंड ने वो जस्ट उन्हें स्टडी उन्होंने कंप्लीट की है, तो उन्होंने कहा इतों सेफ कंट्री तुहानू किते नहीं मिलेगी और प्लस क्वालिफिकेशन दे मामले वो सब तो बेस्ट, दैट्स व्हाई आई चूज फिनलैंड। वेरी गुड जी, वेरी गुड। सो जिस तरह तुम सुन रहे हो जी सुखजिंदर जी, इन्होंने को एक परसनल रेफरेंस है जिहड़े उत्थे ऑलरेडी हगे ने, वह इन्नी स्ट्रोंगली रिकमेंड कर रहे हैं, तो किसी कारण तो ही अपने भरावां नूं कोई उत्थे बुलांदा है। डेफिनेटली कंट्री विच सेफ्टी, सिक्योरिटी, अर्निंग पोटेंशियल, एजुकेशन स्टैंडर्ड, यह सब चीज़ां बहुत वधिया ने। उपरों मैं यह भी गल ऐड करांगा कि फिनलैंड, मैं बहुत सारी कंट्री घूमिया, फिनलैंड एक इहोजी कंट्री है तो रेसिज़म सब तो घट है, लैंगुएज का भी इन्ना इशू नहीं है। जो तुम किसी होर यूरोप की कंट्री जाओ, मैं नाम नहीं लैंदा, बट कंपैरेटिवली फिनलैंड विच लैंगुएज इशूज भी इन्ने ज़्यादा नहीं है जिन्हें तुम बाकी कंट्री से फेस करोगे। सो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुखजिंदर जी ने एक बहुत वधिया डिसीजन लिया है फिनलैंड जाने का, पढ़ने का। तो सुखजिंदर जी, थोड़ा दसो थोड़ा अकैडमिक बैकग्राउंड, उस तो बाद दा की तुम जॉब की वगैरह, गैप वगैरह, एंड हूँ तुम कितने पढ़न जा रहे हो फिनलैंड? सर मैं अपना 2011 में मेरी 12th सी, दैन उस तो बाद फिर मैं अपना कंप्लीट की अपनी ग्रेजुएशन BSc, एंड आफ्टर दैट फिर मैं वर्किंग की इन फार्मा, इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैंने 5 साल में वर्किंग की है। हूँ सर कितने जा रहे हो फिनलैंड? सर मेरा हूँ है अपना तो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है सर यमक यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंस मैनेजमेंट हर किसी लिए जरूरी है सीखनी, इस करके बिल्कुल ओपन आर्म्स दे नाल वेलकम करते हैं कि किसी को थोड़ा एक्सपीरियंस है या किसी होर बैकग्राउंड का भी है, ही और शी कैन ऑलसो कम टू यमक यूनिवर्सिटी इन फिनलैंड एंड लर्न अबाउट मैनेजमेंट। सो सुखजिंदर जी इज गोइंग फॉर अ कोर्स कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज ऑफ 1 ईयर, 60 क्रेडिट का कोर्स है यूनिवर्सिटी, उत्थे जाएंगे इन्हों मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दसे जाएंगे जिन्हें इन्हों अगे उस सोसायटी में इंटीग्रेट होने बहुत हेल्प करेगा। सो अखीर च सुखजिंदर जी, लास्ट क्वेश्चन थोड़े तो समझना चाहवागे कि थोड़ा एडोफिन नाल एक्सपीरियंस किहो जिहा रहा, जो तुम आए किस तरह थोड़ी टर्म एंड कंडीशन चलिया, सारा प्रोसैस चलिया, एंड एंड चीज़ ऑडियंस को की रिकमेंड करना चाहोगे? जी सर, सब तो वही गल होंगी गाइडेंस, जो कि मैंने बहुत अच्छा गाइड किया गया। गाइडेंस आज के टाइम अगर गाइडेंस अच्छी ना हो तो बंदा कितना कितने भटक जाता है। गाइडेंस बहुत अच्छी सी, हाँ टाइम लगता है हर चीज़ में, टाइम लगता, बट गाइडेंस को लैके एडोफिन इज द बेस्ट। सो जिहड़े बाहर जाण नूं देख रहे ने, तुसीं उहनां नूं की रिकमेंड करोगे फिनलैंड बारे जां फिर बारे? डेफिनेटली डेफिनेटली, अगर तुसीं प्लान कर रहे हो यूरोप कंट्रीज विच अब्रॉड दे लई, जरूर जरूर कॉन्टैक्ट करो एडोफिन। थैंक यू सो मच सुखजिंदर जी, साडे वल्लों ऑल दी बेस्ट, तुसीं वधिया करियर, वधिया लाइफ बनाओ। थैंक यू, थैंक यू।